नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की हलचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ा दंगल की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने अहम ऐलान किया है। आजम खान का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव जनादेश 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए ही होगा। राहुल और अखिलेश का साथ लंबा चलेगा। और यही नहीं, आजम ने आरोप लगाया कि दिल्ली के शाही इमाम बीजेपी से पैसा लेकर बीएसपी के लिए वोट मांग रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आजम खान का पूरा इंटरव्यू बस कुछ ही पलों में देखिए। 10 सेकंड में हम लौटे हैं और उसके बाद आइए अब आपको हम वो पूरी बातचीत दिखाते हैं। अरुण सिंह ने रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से खास बातचीत की है और इस इंटरव्यू के हर हिस्से में एक अहम खबर है। यूपी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब हमारे साथ हैं। आजम भाई, कल आपका भी एग्जाम है, 8 बार से पास होते आ रहे हैं, 9वीं बार ये है मसला आपके सामने, और इस बार तो माशाल्लाह आपके बेटे भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो क्या है लड़ाई, किससे है और क्या उम्मीद आपको? सबसे पहले तो चुनाव पे बात करता हूँ। हमारा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है कि हम पूरे टेन्योर काम करें। जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं उसके अगले दिन से हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर हम इस फैसले को मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा काम अपने फर्ज को अंजाम देना है, सो हमने दिया है। अब क्या नतीजा होगा ये वो जाने जो सबके नतीजे निकालता है। मुलायम सिंह यादव की क्या अपील खत्म हो गई है? क्या उनके चाहने वाले नहीं रहे? आप तो अभी भी हैं चाहने वाले उनके, तो वोट क्यों नहीं मांग रहे? आपकी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आ रहे वोट मांगने? अब ये आपके झगड़ा लगाने से कुछ काम चलेगा नहीं। ये हमारी पार्टी का अपना फैसला है, नेताजी का अपना फैसला है, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। उन्हें जहाँ जाना था वो गए। अब अगर किन्हीं कारणों से नहीं जाना चाहते तो उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वो ना करना चाहिए। लेकिन एक शख्स तो है इस देश में आजम खान साहब जो अपील करते हैं, तो उनकी बात तो नेताजी सुनते हैं, कम से कम आपकी बात तो सुनते हैं, आपका प्रभाव है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक ही आदमी ऐसे हैं जो बाप बेटे दोनों पर प्रभाव उतना ही है। तभी तो उन्होंने ये कहा मेरा बेटा है, कहा तो मेरा बेटा है, कोई एक शब्द भी कहा पार्टी के खिलाफ सीएम के खिलाफ। यही मेरा रोल है कि मैं दोनों के बीच की खाइयों को, अगर हैं तो उन्हें पाटने का काम करूं, अगर कोई दीवार लोग समझते हैं तो उसे गिराने को। लेकिन मैंने मायावती की बहुत सारी रैली देखी आजम खान साहब, वो कहते हैं कि मुसलमानों अपना वोट खराब मत करो समाजवादी पार्टी को दे करके। एक तरफा लड़ाई बीजेपी से है, हमारी है, अगर बीजेपी को हराना है, जो कि आप भी कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को वोट दें। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत सारी रैलियां उनकी कवर की। वो एक बड़ी भूंडी सी मिसाल है, आजमाए को आजमाए अल्लाह भी शर्माए। अब ये इनका बहन भाई का रिश्ता है, राखी किसने बांधी थी? समाजवादी ने बांधी थी। किसने बांधी थी राखी बीजेपी के? कौन है बहन भाई? किसने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद मसले का हल मुझे करने को दिया जाए तो मैं उसकी जगह लैट्रीन और पखानी बनवा दूंगा? कांशीराम जी ने कहा था। शिवसेना ने, आरएसएस ने मस्जिद गिराई, बहुत बुरा किया, लेकिन इबादतगाह गिरा के इबादतगाह बनाई, मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया। कांशीराम जी कहते हैं पखाने बनवा दूंगा, हम वोट दे दें। वाह, इतने जिले बनाए, कोई जिला हमारे पूर्वजों के नाम से नहीं बनना चाहिए था। अकबरपुर था, कितना सेकुलर, दीन इलाही चलाया था उसने इस्लाम छोड़कर, वो जिला भी खत्म कर दिया। इतने पार्क बनाए, कोई एक पार्क किसी मुस्लिम नेशनलिस्ट के नाम से, फ्रीडम फाइटर के नाम से, बस एक बता दीजिए, दो नहीं, एक बता दें आप, किस खूबी पर वोट दे दें? बुलडोजर चलवाए थे जौहर यूनिवर्सिटी पर, इस खूबी पर मुसलमान वोट दे दें? भूल गई वो दिन सदन में कहा था कि यूनिवर्सिटी का प्रोटेक्शन किया जाएगा, और जिस वक्त वो ये कह रही थी हाउस में, उस वक्त यहाँ बुलडोजरिंग हो रही थी, इसलिए वोट दे दें। लेकिन रिपोर्ट तो यही आ रही है कि मुस्लिम वोट बढ़ रहा है और इससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा, वो खुद ही कह रहे हैं मन से। ऐसा है, एक कुछ रिपोर्ट हमारी भी मान लीजिए। आप देखिए, इमाम साहब हैं दिल्ली के जामा मस्जिद, उन्होंने अपील की है कि बीएसपी को वोट दीजिए, क्योंकि बीएसपी पैसे नहीं देती है, लेती है पैसे तो उन्होंने लिए बीजेपी से, वोट मांग रहे हैं बीएसपी के लिए, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो अब मैंने कहा
बुरा मान रहे हैं इमाम साहब कि ये जो गंदगी होती है ना, वो एक खास किस्म की गंदगी जिससे बहुत बू आती है, उस पर उन्होंने चांदी का वर्क लगाया है और फिर खा रहे हैं उसे। वो चांदी है ये, तो गोबर से तो चांदी दिख रही है। तो हिम्मत करें, बीजेपी के लिए वोट मांगे, क्यों शर्मा रहे हैं? शाइन इंडिया में अटल जी की बस में बैठकर जो मूड़ी बाहर निकाल के वोट मांगा था, वो भी तो बीजेपी के लिए मांगा था। इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा है। लेकिन आजम खान साहब, एक चीज मैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आपको जब से मैं जानता हूं और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं कि जो आपने कह दिया वो कर दिया, ये आपकी छवि रही है, लेकिन आपने ऐसा काम कर दिया है कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले नरसिम्हा राव, आप ही कहते थे कि कांग्रेस ने शहीद किया, उन्हीं के साथ आज आप साइकिल हाथ हाथ साइकिल एक साथ सर पर दौड़ रहे हैं। कम से कम आपसे तो ये था कि आप बुजुर्गवार नेता हैं। काहे को बुजुर्गवार होता मैं, काहे को बुजुर्गवार होता, आपसे छोटा लगता हूँ, अब भी आपसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। देखिए, नरसिम्हा राव जी अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके मरने के बाद जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, और वो इबरत का मुकाम था। हालात बहुत अजीब हो गए उसके बाद से, पिल्ले कुत्ते हरामजादे ये भाषा, फ्रिज में गोश्त रखा है गुमान की बुनियाद पे मार देना, जो लोग खेतों में हल चलाते हों, सेवा करते हों, मालिश करते हों, घर का झाड़ू पोछा करते हों, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे बच्चियाँ हर तरह की खिदमत करते हों, उन्हें काट डाला, घर जला दिए। ये जो अमानवता का दौर चला है, झूठ का, 20 लाख रुपया देंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, तो ये जो ठगी हुई और जो पिल्ला जैसा शब्द बोला, जो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे, तो हमारे लिए बहुत एक विचारणीय सवाल हो गया कि अब कुछ फैसला होना चाहिए। तो दाग दाग धुल गए कांग्रेस के इससे? नहीं, दाग हम ही धुले जा रहे हैं, दाग तो हम ही देखेंगे ना, तो हमें होना तो चाहिए, हम ही जब नहीं होंगे तो दाग देखेगा कौन, दागों का तस्करा कौन करेगा? मतलब रहेंगे आजम खान साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से हिसाब अभी चुकता करेंगे आप? अच्छा, आप कोई झगड़ा ना लगाइए, इस वक्त चुनाव होने दीजिए। अच्छा, एक सवाल एक भी है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी बहुत उस पर नारा बन रहा है, यूपी को ये साथ पसंद है, ये साथ कब तक चलेगा आजम खान साहब? 2019 में राहुल गांधी ये चाहते हैं, उन्होंने मायावती की बड़ी तारीफ की, उस दिन बोला कि मैं कुछ कहूंगा नहीं मायावती के बारे में। अब अखिलेश यादव तो मायावती के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आजम खान साहब तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कुछ नहीं कहते, कुछ शंका आपको होती है राहुल गांधी की? नहीं, कुछ नहीं होती, 2019 का ही मैंडेट मिलेगा 2017 में। 2019 में ये नफरत वालों की सरकार खत्म होगी, अब बहुत बुरी तरह खत्म होगी। सबसे बड़ा दंगल में अगली खबर दो बड़े नेताओं के दो अहम बयानों से जुड़ी हुई है। बीजेपी नेता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज माना है कि यूपी के दंगल में संघर्ष तिकोना है, और पहले चरण के चुनाव में कुछ जगहों पर बीएसपी की अहम भूमिका है। अरुण जेटली आज लखनऊ में पत्रकारों से बात कर रहे थे, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है, अगर कुछ सीटें कम भी पड़ी तो बीजेपी से समर्थन नहीं लेंगे। जाहिर है मायावती ने इन चर्चाओं को खारिज करने की कोशिश की कि वो चुनाव बाद बीजेपी से हाथ मिला सकती हैं। आइए पहले सुन लेते हैं दोनों नेताओं के बयान। पहले देश में ये स्पष्ट देखने को मिला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हमारा प्रमुख मुकाबला बसपा से था। आगे फेजेस में जैसे जाते हैं और जैसे सामाजिक व्यवस्था बदलती है तो अन्य स्थानों की स्थिति अलग भी हो सकती है। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा से। अमिताभ, जरा ये बताइए,
दूसरे चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में मायावती एक तरफ से स्पष्ट मंच पर कह रही हैं कि बीजेपी से किसी भी गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली बीजेपी की तरफ से ये कहते हुए नजर आते हैं कि वाकई में जहां एक तरफ पहले ताल ठोक कर ये कहा जा रहा था बीजेपी अपने सामने किसी को मुकाबले में नहीं देख रही थी, अब उस मुकाबले को तिकोना समझा जा रहा है। इसके सियासी मायने क्या है? इसके दो तीन मायने निकाले जा सकते हैं प्रीति। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो बीजेपी कह रही थी कि बीएसपी रेस तक में नहीं है, वो अब ये मान रही है कि बीएसपी रेस में है और ये डर ये बता रहा है कि बीएसपी रेस में अब ठीक ठाक आगे निकलती जा रही है। दूसरी बात, एक राजनीतिक दांव भी कहा जा सकता है कि अगले कई चरणों में चुनाव है, अल्पसंख्यक मतदाता इस भ्रम में पड़े कि मायावती आगे बढ़ रही है तो अल्पसंख्यक वोट बटे, तो समाजवादी पार्टी और अगर मायावती के बीच वोट बढ़ता है अल्पसंख्यक का तो फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि अब इस त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है और सबसे अहम बात यह है कि बीएसपी की इससे ताकत बढ़ती नजर आती है। जैसा आप कह रहे हैं अमिताभ, इसमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है उनका बयान वित्त मंत्री का अरुण जेटली का कि बीएसपी की जो भूमिका है या फिर मजबूती जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसी वक्त पर मंच से मायावती का ये कहना कि बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा, यानी कि वो अपनी वोटर को एकदम क्लियर भी बता देना चाहती है कि अगर हमें मैंडेट मिलता है या फिर हमारी सीटें आती है तो हम गठबंधन में किसी के साथ नहीं होने जा रहे हैं। देखिए यही बातें मायावती साफ करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जो बातें बीजेपी की तरफ से आ रही हैं, जो बातें मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है, आपने आजम खान को देखा कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी बीएसपी भाई बहन है, तो जाहिर तौर पर अपने वोटरों के बीच इस भ्रम को दूर करना चाहती है मायावती कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाली हैं। हाँ, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तब आगे पार्टियां अपनी अपनी बातें अपनी बिछा सकती हैं, लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल में मायावती किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती और अब तक उन्होंने यही बातें साफ की हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के आला नेताओं के बयान आने लगे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीएसपी की थोड़ी ताकत बढ़ती जा रही है और थोड़ी राजनीतिक पेंच भी इसमें बढ़ रहा है कि भ्रम फैलाने की बात कि अगर मायावती बढ़ती हैं तो अल्पसंख्यक वोट बैंक जरूर बटेगा। चाहे एसपी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, अभी तक ये ताल ठोक कर कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी तो रेस में ही नहीं नजर आ रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के बयान दोनों ही पार्टियों के समझे तो ये समझ आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि बीएसपी की भूमिका कुछ मजबूत होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा दंगल में अब रुख मायावती की रैली का। माया ने लखनऊ में दावा किया कि पहले चरण में उनकी पार्टी जीत रही है और इसीलिए अमित शाह के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। माया ने अपने वोटरों को सचेत किया कि बीजेपी आई तो आरक्षण खतरे में होगा। पहले चरण में बीएसपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, बीजेपी और अन्य पार्टियां तो बहुत कम सीटों पर ही सिमट के रह जाएंगी, बहुत कम उनको सीटें मिलने वाली हैं। श्री अमित शाह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये बताता है मीडिया को कि उनको बहुत सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन जब मैंने चैनल के माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा देखा तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मैं समझ गई कि इनको बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं तो कई दूसरे और बाकी चरण में इनका सत्यानाश ना हो जाए। किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। जहां मायावती बीजेपी पर हमला करती हुई नजर आई, वहीं यूपी के फरुखाबाद में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने एक बार कहा था कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपवाना है। मैं तो कहता हूं कि जब बीजेपी को पहले चरण में ब्लड प्रेशर नपवाना पड़ रहा है तो अभी कई चरण आने बाकी हैं, बीजेपी के सभी नेताओं को ब्लड प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है अखिलेश कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ब्लड प्रेशर नपाना है। अखबार में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये ब्लड प्रेशर नपाना है। हम समझते हैं हमारे प्रत्याशी डॉक्टर हैं
और फिर अगर बीजेपी के लोगों को पहले ही चरण में ब्लड प्रेशर का चक्कर पड़ गया है तो फरक्काबाद का जब वोट पड़ जाएगा तो न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी वालों को अपना ब्लड प्रेशर नपवाना पड़ेगा। तो अखिलेश बीजेपी के नेताओं के ब्लड प्रेशर को नपवाने की बात कह रहे हैं, वही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर खुद समाजवादी पार्टी के ही एक मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सरकार में खेलकूद मंत्री और युवा कल्याण मामलों के राज्य मंत्री रामकरण आर्य ने बीजेपी को बड़ा राक्षस बताते हुए कहा कि सरकार तो बिना कांग्रेस बन जाती लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे छोटे शैतानों को इकट्ठा किया गया है। मैं बिना सरकार के बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा, हिंदू मुसलमान की लाशें तैरेंगी, सड़कें लहूलुहान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं जरा सा भी मैं मौका देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी मौका मिल सके कि उत्तर प्रदेश को तबाह कर सके। कांग्रेस पार्टी से समझौता किया और आप ये समझ लीजिए हमने 105 सीट दिया, समझौते में भी हमने दरिया दिल दिखाई है। ऐसा नहीं है कि समझौते में उन्हें कम सीट दिया, जितना उन्होंने मांगा उतना मैंने दिया, सिर्फ इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी क्रूर फरेबाजी और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतें उत्तर प्रदेश में ना पाएं। और वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि वो हर छोटे शैतान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझते हैं। हर छोटे शैतान के बयान पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है,